तीन चीजें की हो गई है। हेडिंग डालिएगा आज भाग पांच, हेडिंग डालिएगा भाग पांच, भाग पांच संविधान में। हाँ वही विशेषता है, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब भारत में वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं है, कोर्ट के द्वारा लोगों का अपने यहाँ के मुखिया का चुनाव किया जाता है। भाग पांच इसका क्या नाम है? संघ। भाग पांच का क्या नाम है? संघ है। एक कहां से कहां तक अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 आपका 51 तक है। अनुच्छेद 152 से 151 तक के अनुच्छेद शामिल है भाग पांच में। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, याद रखिएगा। इसको हम पांच अध्याय में बांट के पढ़ेंगे और ये अध्याय जो भाग पांच है पांच अध्याय में तोड़ा गया है। कितने अध्याय में? पांच अध्याय में तोड़ा गया है। और ये गांधी जी वाला जो टॉपिक आपको भी पढ़ा रहे थे, कम से कम वो चार दिन अभी और लगेगा, इतना भोला भाला गांधी जी नहीं थे। तो पहली अध्याय की बात करें, प्रथम अध्याय में क्या है आइए उनकी भी चर्चा करेंगे। दूसरे अध्याय में क्या है? ये तीसरा अध्याय है और ये चौथा होगा और ये पांचवा होगा। ये पांच अध्याय हमें पढ़ना है और पूरा का पूरा ही पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो पहले अध्याय में क्या है देखो, पहले अध्याय में क्या है? संघीय कार्यपालिका के बारे में है, संघीय कार्यपालिका के बारे में है। पहला अध्याय संघीय कार्यपालिका के बारे में बताएगा, जिसमें अनुच्छेद आपका आता है, पूछ लिया जाएगा संघीय कार्यपालिका में कितने अनुच्छेद हैं, तो 52 से 78 तक संघीय आपके कार्यपालिका में अनुच्छेद है, 52 से 78 तक। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, इन सभी की चर्चा हम यहां करेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और आपके जो महान्यायवादी होते हैं, जो अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी, उनकी भी चर्चा हम यही करेंगे। ये पहला अध्याय में हम पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय की बात करें तो दूसरे अध्याय में हम संघीय व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा अध्याय में संघीय व्यवस्थापिका जो व्यवस्था बनाते हैं इसमें पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय में पूछ ले अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो वो 78 हो गया, इधर 79 से लेके 122 अनुच्छेद तक हम इसमें पढ़ेंगे। अध्याय तीसरे में हम क्या पढ़ेंगे? आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति पढ़ेंगे, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, ये बहुत बार आ चुका है अभी ग्रुप डी में भी, अध्यादेश जारी करने का शक्ति पढ़ेंगे, करने की शक्ति, ये अनुच्छेद मात्र एक होगा, 123 अनुच्छेद में पढ़ेंगे। सीधे पूछ लिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 123 में है। चौथे अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। चौथा अध्याय न्यायपालिका है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी आपके सामने नजर आता होगा, 124 से 147 तक, अनुच्छेद 124 टू 147 तक हम यहां रखेंगे। अध्याय कौन सा? चौथे में। पांचवे अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे याद रखना? कैग के बारे में, कैग, ये आपका अनुच्छेद 148 से हो जाएगा 151 तक, कंप्लीट अध्याय हमें यहां पूरा पढ़ना है। कैग 148 से 151 है, न्यायपालिका 124 से 147, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फलांडेकान जो भी है यहां है। तीसरे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। संघीय व्यवस्थापिका 1900 आपका अनुच्छेद 79 से 122, इसमें हमें पढ़ना होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में, उनका क्या काम है, क्या प्रोसेस है, राष्ट्रपति हमें यहाँ पे भी पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हमें इस तरीके से पढ़ना होगा।
हो गया। हेडिंग डाल लीजिएगा अध्याय एक कार्यपालिका, एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। सीधे पूछ लिया जाएगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ है, 123 में। न्यायपालिका का कहाँ से कहाँ तक है, 124 से 147 तक है। और पूछेगा कि कै का उल्लेख कहाँ पे, अनुच्छेद 148 में है। ये सब चीजें हमें एक एक करके पढ़ना होगा। अब हेडिंग डालिएगा संघ, आपका क्या पहला अध्याय संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78। संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78, आओ इनको भी हम लोग निपटा लेते हैं। चलो आओ बात करते हैं अनुच्छेद 52 से 78 तक। इनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। आओ राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति क्या होते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, इनकी बात करते हैं। राष्ट्रपति का अंग्रेजी सब जानते होंगे, तो आप लोग बचपन में कैसे निकालते थे मीनिंग किसी चीज का। राष्ट्र बने हो गया नेशन, और पति का हस्बैंड नेशन हस्बैंड, नहीं ऐसा नहीं करते थे अंग्रेजी में बचपन में। लेकिन ऐसा मत करना, कोई नेशन हस्बैंड नहीं है, ये क्या है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है। तो आओ बात कर लेते हैं जो राष्ट्रपति के बारे में है। तो राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, याद रखिएगा, जो तीनों सेनाओं है, तीनों सेनाओं का क्या है, सर्वोच्च कमांडर है। आप लोग कमांडर का नाम सोचते ही आर्मी या जल सेना वायु सेना में पहुंच जाते हो, नहीं। सर्वोच्च कमांडर का मतलब ये हो गया कि युद्ध कब करना है, युद्ध कब बंद करना है, किसके साथ युद्ध करना है, ये सभी निर्णय कौन देगा, राष्ट्रपति देगा, फिर जाके युद्ध होता है। समझ में आया? तो इसलिए तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर पूछे किसे कहते हैं, तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है पूछा जाए, तो याद रखिएगा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर ये राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है ये राष्ट्रपति। और जो राष्ट्रपति है ये क्या है, कभी भी जनगणना जब शुरू होगी तो सबसे पहले कहां से होती है, राष्ट्रपति से। इसीलिए इसे राष्ट्र का क्या कहा गया है, प्रथम नागरिक कहा गया है। राष्ट्र का कुछ भी होगा सबसे पहले इन्हीं से स्टार्ट होगी। राष्ट्र का प्रथम नागरिक होते हैं कौन, राष्ट्रपति, राष्ट्र के प्रथम नागरिक हो गए। आगे लिखिएगा, और जो राष्ट्रपति है ये है, याद रखिएगा, संविधान का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, सर्वोच्च संवैधानिक पद, इससे बड़ा कोई भी संवैधानिक पद नहीं होता। तो सर्वोच्च संवैधानिक पद पूछे किसका है, तो इन्हीं का है, सर्वोच्च संवैधानिक पद है, इनसे बड़े कोई नहीं है संविधान में, सर्वोच्च संवैधानिक पद। लेकिन अगर पूछे संविधान किसके लिए बनाया गया है, तो का कहा, भारतीय जनता के लिए, लेकिन सब आपका संविधान में सर्वोच्च पद किसका है, तब का कहा, राष्ट्रपति का है। ये कुछ कुछ बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए। आगे लिखिएगा, देश का मुखिया होता है कौन, राष्ट्रपति, देश का मुखिया है ये राष्ट्रपति। संसद का एक भाग होता है कौन, राष्ट्रपति, संसद का एक भाग होता है राष्ट्रपति। संसद के कितने भाग होते हैं, तीन, एक लोकसभा, राज्यसभा और एक क्या, राष्ट्रपति। अगर संसद के अंग पूछे तो कितने होते, संसद के अंग कितने होते, दो, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन भाग कितने होते, तीन होते, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये नहीं भाग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति नहीं भाग, हाँ अंग तीन होते हैं और राष्ट्र आपके भाग कितने होते हैं, दो, संसद के दो भाग, लोकसभा और राज्यसभा, और यहाँ लिख लीजिएगा अंग। ये हो गए आपके इतनी बातें, एक दो तीन चार, और ये आपको हमने पांच बातें बता दिया, पांच बातें याद रखनी होगी।
और एक पॉइंट कार्यपालिका, एक पॉइंट और याद रखना, एक और आ गया कि क्या होता है कार्यपालिका का, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, औपचारिक प्रधान होता है कौन, ये राष्ट्रपति। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है कौन, राष्ट्रपति। ध्यान से सुनना, कहोगे ये औपचारिक का है बोलत है यार, औपचारिक का मतलब सुनो ध्यान से, इधर देखो, मान लो ये दादाजी हैं आपके घर के बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, ऐसे राष्ट्रपति भी सबसे बुजुर्ग आदमी को ही बनाया जाता है, काहे क्योंकि राष्ट्रपति का पद भारत का सबसे बड़ा पद है, अगर थोड़ा जवान आदमी बने तो उल्टा सीधा भी तो कर सकता है वो, नहीं कर सकता हाँ, तो उसके चरित्र पे लांछन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो फिर देश का सबसे बड़ा पद बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया, फिर लांछित हो गया कि नहीं हो गया, तो इसीलिए कलंकित हो जाएगा, इसलिए हमेशा वैसे लोगों का ज़्यादातर ऐसा कुछ लिखा नहीं गया, लेकिन अभी तक के हिसाब से यही उम्मीद लगाई जाती है, ठीक बा, तो ये सबसे बुजुर्ग हो गए, और आपके बाद उसके बाद कौन आएंगे, इनके लड़के आते होंगे, और फिर ये आप लोग आ गए पुत्र जी लोग यहाँ सामने। तो एक बात याद रखो, दादाजी कहा था नतियक ब्याह करा दो तनी भर पतोयक मुआ हुआ देख ले, कह राय का पता मर मुरा जाए ब्याह पर से बोला राय हो, तो ये कहा है जब तक ही कुछ पढ़ लिख के काबिल नहीं बन जाए तब तक ब्याह के सी हो पढ़ावे लिखाए चक्कर में है नी छटपिटात है ब्याह कह दो, ब्याह कह दो मुँह देख ले, मुँह देखा हुआ कुछ कुछ दही लो ये सोना चांदी हीरा मोती करो वो उनके ज्यादा कुरकत हो, ठीक बा, तो ये कितना भी छटपिटाए इनसे कुछ होने वाला नहीं है जब तक ये ना करेंगे। सेम कहानी अपने देश की है, ये राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री है, ये देश की जनता है, ये इनसे शोर सिफारिश लगा रहे हैं कुछ करवाना चाहते हैं, लेकिन जब तक ये नहीं चाहेंगे पीएम साहब तब तक आप दोनों लोग कुछ भी करो होगा का, ये नाते कहा जाता है कार्यपालिका का सिर्फ ये औपचारिक प्रधान है। वास्तविक प्रधान कौन होता है कार्यपालिका का, प्रधानमंत्री होता है, समझ में आया, ऐसे पूछे घर के औपचारिक प्रधान के होए दादाजी और घर के वास्तविक प्रधान के होए हैं के है? माई माई नहीं है बोली चंद्र पापा चला हैं, लेकिन अगर देखा जाए परिवार में तो पिताजी की ज्यादा चलती है, पापा को समझ पाया, ये सिस्टम है याद रखिएगा, इसलिए कहा गया कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। पूछे वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, समझ में आए, ये रही इतनी बातें। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद और फिर एक एक करके उन अनुच्छेद की डीप में चर्चा करेंगे, तो लिखिएगा राष्ट्रपति संबंधी अनुच्छेद, पहले लिख लेते हैं पूरा 61 तक, फिर एक एक करके हम पढ़ेंगे उनके बारे में, तो लिखिएगा राष्ट्रपति संबंधी कुछ अनुच्छेद। तो पहला अनुच्छेद 52, पहला लिखिएगा अनुच्छेद 52, लिखिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में लिखिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक एक करके पहले लिख लीजिए पूरा, फिर एक एक करके डीप में चर्चा हो जाएगी। अनुच्छेद 52 के बाद अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 हो गए। अनुच्छेद 54 सीधे आ जाएगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो आप सीधे जवाब देना कहाँ पे, अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 के बाद अनुच्छेद 54 लिखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 54 लिखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल,
राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, अनुच्छेद 55 लिखेगा निर्वाचन की पद्धति, निर्वाचन होगा कैसे, धीरे बोले, कहां तक पहुंचे हो? 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल 54 में अनुच्छेद 55 लिखेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, अनुच्छेद 56 लिखेगा, अनुच्छेद 56 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या रीति कैसी होती है, अनुच्छेद 56 लिखिएगा राष्ट्रपति के कार्यकाल या पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल पूछ लिया जाता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है, सीधे क्या बताओगे, 56। अनुच्छेद आपका 57 लिखिएगा पुनर्निर्वाचन की पात्रता, पुनर्निर्वाचन की पात्रता मान किस अनुच्छेद में पुनर्निर्वाचन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होता है, ये सब यहाँ बताया गया, पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 लिखिएगा राष्ट्रपति की योग्यताएं, योग्यता या अर्हता, अनुच्छेद 58 लिखिएगा राष्ट्रपति की योग्यता या अर्हता, 58 के बाद अनुच्छेद 59 लिखिएगा आप लोग राष्ट्रपति की शर्तें, राष्ट्रपति को क्या क्या शर्तें मानना होती है, कहाँ रहना होता है, राष्ट्रपति भवन वन, ये सब यहाँ पे है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 60 की, राष्ट्रपति के आपके शपथ का वर्णन है, शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन है, राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन है अनुच्छेद 60 में, शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 के बाद अनुच्छेद 61 महाभियोग, अनुच्छेद 61 महाभियोग इंपॉर्टेंट होते हैं महाभियोग, अनुच्छेद 61 के बाद लिखेगा अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62 आकस्मिक रिक्ति, माने कभी अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, कुछ और हो जाए, आकस्मिक रिक्ति, तबीयत खराब हो जाए, तो ये सब पे क्या होगा, ये सब यहाँ पढ़ेंगे, इतना हमें पढ़ना है 62 तक। अनुच्छेद अब लिखिएगा पहला 52, शुरू करते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 52 से, तो लिखिएगा पहला वही लाइन निकाल लीजिएगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब कहने का भारत के कितने राष्ट्रपति होंगे, एक, कहां लिखा गया 52 में, सिंपल सा यही इतना बात लिख के छोड़ दिया गया कि अनुच्छेद 52 में सिंपल सा एक लाइन लिखा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक राष्ट्रपति होगा, ये सिंपल सा प्रोसेस याद रखना। अनुच्छेद 53 है, थोड़ा समझाने की चीजें, आइए हम अनुच्छेद 53 की ओर चलते हैं, लिखिएगा इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार, इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ, स्वयं वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। पहले लाइन को ध्यान से पढ़ो, कहा है कि राष्ट्रपति जो है कैसा एक ऐसा पद है कि यहाँ पे जो कार्यपालिका शक्ति होगी किसमें निहित होगी,
राष्ट्रपति में निचोड़ा एक लाइन, जैसे आप लोग कभी रिचार्ज करवाते हो ना, रिचार्ज पहले करवाते हो तो वहाँ लिखा लहाला एक माह की वैलिडिटी लिखा लाला ने, और वही निचवा स्टार लगाए लिखा ला नियम व शर्ते लागू, या फिर एक माह की वैलिडिटी के बदवाई से ऊपर का लग जला स्टार, इसका मतलब एक माह आपका बाद 30 दिन का ही उनाई 28 दिन। दुनिया सबके अनुसार महीने कितने के होते हैं? 30 के। टेलीकॉम के अनुसार कितने? 28 के। सोचो तो वो स्टार लगाए रहता है, और स्टार का मतलब ये वीक लगा देगा, उसमें कुछ और शर्तें जोड़ देता है कि आपका आप लगा रहेगा कि इतने से इतने तक वैध है, तो कहेगा तो आप सोचोगे कि रात दिन के 6 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक इंटरनेट फ्री चलेगा, कभी कभी मिलता है तो हमें लिखा लाइन दिन का ना रात ही करते कि चलाई नेता लिखा लाइन रतिया के 6 बजे से 6 बजे भी नहीं तक। अब बताओ रतिया के माने 10 बजे के बाद कितनों ऐसा नया सुतबा और उठवा 5-6 बजे नेटा कब चलाएगा? वही नाते वहाँ ऊपर साफ साफ नहीं लिखे रहेंगे, स्टार बना देंगे। जब आप कस्टमर केयर के पास फोन करोगे तो कहेगा स्टार का मतलब नहीं समझे का, नियम व शर्तें लागू है, समझ में आया? यही नाते कौनो भी चीज़ जब जैसे मान लो LIC करवाना है, LIC भी करवाना है तो वहाँ लिखा रहता है नियम व शर्तें लागू। आप LIC में फॉर्म भर दिए, LIC करवा लिए, मान लो इमरजेंसी आ गया, आप सोच रहे हो कि नहीं हमें 30-40 हज़ार या 1 लाख रुपया जमा किए 2 साल में 3 साल में, तो कहेगा जब तक वहाँ पे आपने पढ़ा नहीं है लेकिन वहाँ स्टार बना के लिखा रहेगा नियम और शर्तें लागू, तब जब जाओगे कहोगे साहब हमें जरूरी में पैसा हमारा दे दिया जाए, कहे नहीं जब तक 3.5 साल पूरा नहीं है आपको रुपया मिलेगा नहीं, तो पैसा कौन काम को हुआ फिर, समझ में आया? तो इसलिए टर्म एंड कंडीशन पहले पढ़ लिया जाता है, कुछ भी हो कैसा भी हो चाहे भले आपके जीवन से जुड़ा नहीं है पढ़ना जरूरी है। ऐसे यहाँ भी लिख दिया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नीत होगी माने पूरा मालिक के, लेकिन निचवा का लिख ले बट संविधान के अनुसार, आगे संविधान में हम ये पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति को काम करेगा। अब बतावा सलाह के कर जरूरी है तो वहाँ का आखिरी लिखे रहो फिर, समझ में आया ना? तो ये कुछ कंडीशन होती है, राष्ट्रपति को एक जगह पावरफुल बना दिया और एक जगह अचानक से गिरा देता है, बस राष्ट्रपति का साइन जरूरी है। आपको आगे ये भी पढ़ाएंगे कि राष्ट्रपति जो है एक बार क्या मान लो कोनो चीज विधेयक राष्ट्रपति के पास जात भाई कुछ पेश पास भाई राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने कहा नहीं साहब ये गलत है ये नहीं होना चाहिए, तो दोबारा जब उसे वापस करेगा, दोबारा जब वो वापस जाता है राष्ट्रपति के पास, हर हालत में साइन करना क्या हो जाएगा जरूरी हो जाता है। बताओ इससे राष्ट्रपति का पावर घट गया कि नहीं घट गया? राष्ट्रपति को पावर इतनी होनी चाहिए कि क्या देश में सही है क्या गलत है क्या देश के लिए सही है उस पर तो साइन करे या ना करे, लेकिन पावर नहीं है, एक बार वापस कर सकता है, अगर दोबारा चला गया तो साइन करना अनिवार्य हो जाता है, तो राष्ट्रपति का पावर ही नहीं। इसका मतलब एक बार पावर है कि वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार जब वो चला गया वही चीज कुछ भी नहीं हुआ उसमें, लेकिन तो उनको साइन करना वैध हो जाएगा, समझ में आया? तो इससे राष्ट्रपति की पावर घट गई। यही नाते कहा गया औपचारिक प्रधान होता है, कैसा प्रधान है? औपचारिक। वास्तविक क्या है? सारी शक्ति का उपयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तब मुखिया काय बना दिया, मुखिया काय बना दिया राष्ट्रपति के, नाय बना चाहता तो राष्ट्रपति अकेला होता है ना, किसी ज्यादा लोग क्या पता हो देश के लिए गलत हो, कह नहीं हो सकता माने एक आदमी वो गलत हो सकता है, बाकी इतने लोग गलत नहीं हो सकते, नेता कौन पढ़ गया लिखवाइया है, इसलिए कहा जाता है वहाँ पे क्वालिफिकेशन दो, नेता लोग क्या क्यों गलत नहीं हो सकते, नेता लोग कौन सही करते हैं, आपको कुल अनपढ़ बड़े पड़े, इसलिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फलाने आदमी जो नेता बनना है मुख्यमंत्री बनना है राष्ट्रपति बनना है एक क्वालिफिकेशन ले आओ BLB ले आओ फिर देखो देश कैसे आगे बढ़ता है, लेकिन क्वालिफिकेशन किसी के पास नहीं रहते, ये गड़बड़ हो जाता है, समझ में आया? और इसी में ये भी लिखा गया अनुच्छेद 53 में ये भी लिखा गया है कि संघ के जो रक्षा बल हैं उनके सर्वोच्च कमांडर होता है कौन? राष्ट्रपति। ये भी यहाँ लिखा गया 53 में, जो वहां लिखे थे यहाँ उतार लिखेगा, संघ के रक्षा बलों का
संघ के रक्षा बलों का, अगला पॉइंट उसी में, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा, राष्ट्रपति में निहित होगा। मतलब आदेश या कुछ भी करना हो तो किसके आदेश में कर किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। हो गया अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन मंडल कौन कौन इसमें शामिल है, आओ निपटाते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे पहली बात याद रखना, जितने भी विधायक हैं, वे सांसद कहते हैं, लोकसभा के जितने भी सदस्य निर्वाचित होते हैं वो सभी क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। निर्वाचित बोले हैं, मनोनीत नहीं बोले हैं, एंग्लो इंडिया नहीं बोले हैं, जितने भी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, वोट देते हैं। समझ में आया? अरे समझ में आया। आप राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसा कर सकते हो, मान लो, सिंपल से समझाने के लिए, ये मान लो ब्लॉक प्रमुख है, ये ब्लॉक प्रमुख है, ये बीडीसी है और ये जनता है। जनता ने किसे जिताया, बीडीसी ने किसे बनाया, बस समझ में आया। तो जहां पे जनता भाग लेती है, ये प्रत्यक्ष चुनाव हो गया, कैसा चुनाव है, प्रत्यक्ष, और ये कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष, क्योंकि जनता भाग नहीं लेती। जनता ने किसको चुना था, सांसद को। जनता ने किसे चुना, विधायक को। विधायक भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, बात समझ में आया। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि एक विधायक जब वोट देने जाएगा तो उसकी कीमत कितनी होती है। हम लोग वोट देने जाते हैं, एक नॉर्मल आदमी को इसको तो वोट की कीमत एक होती है, लेकिन एक विधायक जब राष्ट्रपति को वोट देने जाता है उसके वोट की कीमत 208 होती है। एक सांसद जब राष्ट्रपति को वोट देने जाता है उसके एक वोट की कीमत 708 होती है और एक विधायक की कीमत 208 होती है। यूपी में हर एक राज्य के लिए अलग अलग होता है विधायक वाला, लेकिन हाई सांसद वाला एक समान होता है। तो ये देखो, यहाँ पे हमने कहा कि जिसको हमने चूज किया वो जाकर के राष्ट्रपति बना रहा है, और जिसको हमने वोट दिया उसे कहते हैं निर्वाचित। वोट तो दिया ना उसे, तो वो निर्वाचित है और जाकर के उसका वो किसका चुनाव करता है, राष्ट्रपति का। तो याद रखिएगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के भी क्या निर्वाचित सदस्य, ये तीनों लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगर एंग्लो इंडियन आ जाए, अगर ऐसा लिख जाए कि राज्यसभा के सदस्य नहीं, राज्यसभा के सदस्य नहीं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, कैसे निर्वाचित, निर्वाचित होना जरूरी है, एंग्लो इंडियन भी नहीं, मनोनीत भी नहीं, जहां जहां निर्वाचित वही भाग लेंगे, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। और एक पॉइंट और सुनो, मुख्यमंत्री जैसा चुनाव और कहां होता है, ये तो राज्य की बात हमने कहा है। दो केंद्र शासित ऐसे हैं जहां पे मुख्यमंत्री भी होते हैं, कहां, दिल्ली और पुदुचेरी में। तो इन दोनों के यहां पर भी तो विधायक होंगे, अरे जब मुख्यमंत्री है तो विधायक होंगे ना, तो इसलिए दिल्ली और पुदुचेरी को बाद में ऐड किया गया संविधान संशोधन करके कि इनके लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे, भाग लेंगे। बात समझ में आया? तो हमने क्या बोला, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, कितने लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। एक अलावा और कौनो शब्द आई जाए तो सरासर गलत रहेगा। क्लियर है? लिखो इन सब चीजों को, लिखिए। जनता द्वारा प्रत्यक्ष न होकर, जनता द्वारा प्रत्यक्ष न होकर एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव। जनता द्वारा प्रत्यक्ष न होकर एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। लिखिएगा पहला उसमें, संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन
संसद के दोनों सदन कोष्टक में लोकसभा और राज्यसभा, कोष्टक में लिखिएगा लोकसभा और राज्यसभा, कोष्टक में लिखिए लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, कोष्टक में लिखिएगा लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला पॉइंट लिखिएगा 70वें संविधान संशोधन, 70वें संविधान संशोधन, संशोधन 1992 के तहत, इंपोर्टेंट लाइन ये रही, 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्यों का, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है, निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है, निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब लिखिएगा, एक नोट बना के लिखिएगा, निर्वाचन में मनोनीत, वही जो बोले हैं वही लिखवा रहे, निर्वाचन में मनोनीत, नोट में लिखिएगा, निर्वाचन में मनोनीत एंग्लो इंडियन आगे विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। अगर एंग्लो इंडियन चुनाव के द्वारा गया तो भाग लेगा, याद रखना। निर्वाचन में मनोनीत एंग्लो इंडियन और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, हो गया। हेडिंग डालिएगा राष्ट्रपति के अनुच्छेद जो भी होगा 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो लिखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात करते हैं। लिखो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा होता है। अब सुनो, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, एकल संक्रमणीय क्या है, अप्रत्यक्ष तो बता दिए और चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो राष्ट्रपति के चुनाव में जब कोई, मान लो चार आदमी इलेक्शन में भाग ले रहे हैं, इलेक्शन में ये चार आदमी भाग ले रहे हैं जिनका नाम है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर स्टूडियो, डी फॉर डॉग, ये लोग भाग लिए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में ये चार लोग भाग लिए, तो जब आप वोट देने जाओगे, मान लो आप सांसद या विधायक बन गए हो, जब आप वोट देने जाओगे तो आप चारों आदमी को वोट दोगे, आप अपना प्रेफरेंस, जैसे मान लो चार पोस्ट निकलती है तो प्रेफरेंस रखा जाता है, पहले पे चारों थोड़ी रख सका, पहले पे कौन रखवा है मेरे से, फिर दूसरे पे कौन रखवा, फिर तीसरे पे, फिर चौथे कौन रखवा, तो जो आपको पसंद है उसी अनुसार आप प्रेफरेंस रखा जाता है। तो जब इसमें विजयी कौन हो जाता है, 35 वाला क्या हो गया, विजयी हो गया,
लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में निश्चित वोट पाना जरूरी हो भी कितना, जितना वैध मतदान अपान होकर आधा प्लस एक, वैध मतों से एक वोट ज्यादा, मतलब 50% से एक वोट ज्यादा। अगर 100 वोट बाय तो 51 वोट जी पाई वह का बनी राष्ट्रपति बनी। अदरवाइज राष्ट्रपति का दोबारा क्या होगा, मतगणना होगा, जो सबसे कम वोट पाई होकर वोट ऊपर वाले में बढ़ जाएगा। समझ में आया, ये हिसाब से होता है। तो यहाँ क्या हुआ, ये 35 वोट पाए थे, ये जीत गए, लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 51 वोट पाना इसके हिसाब से जरूरी हो जाता है। तो कैसे होता है, आओ समझते हैं। देखो मान लेते हैं टोटल 100 ही वोट था, समझाने के लिए होता है तो 7-8 लाख वोट पड़ते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। तो अगर 100 वोट हमारे पास है तो मान लेते हैं इस आदमी को 35 वोट मिला, इस आदमी को 30 वोट मिला, 35-30 65, इस आदमी को 20 वोट मिला, बचत हो गए 15 वोट। तो अब बताओ क्या राष्ट्रपति कोई बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि 51 वोट किसी के पास। तो इसीलिए आपको हमने ये कहा था, ये डी का मतलब क्या, 15 वोट का मतलब कि 15 लोग ऐसे थे जो डी को पहले प्रेफरेंस दिए थे, इसका मतलब ये है। ए का मतलब ये 35 वोट का, इसका मतलब ये कि 35 लोग ऐसे वोट देने गए जो ए को पहले नंबर पे रखे थे, बी वाले को 30 लोग पहले नंबर पे रखे थे। तो अब बताओ डी वाले में, इस वाले में इसको सबसे कम वोट मिला, इसके 15 वोट को हटा दिया जाएगा, कहेगा आप हार गए, जाइएगा। तो जो ये 15 वोट है ना, ये तो 15 लोग ऐसे थे जिसको डी पे पहले पे रखे, तो इनमें इसको दूसरे नंबर पे आया होगा कुछ लोग, इस 15 वोट जिसको रखे थे वो 15 लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ए वाले को दूसरे पे रखे होंगे। अरे वही ना, डी तो पहले पे रखला, लेकिन ओकरे बदमाश था, ए वाला बचल बा, बी वाला बचल बा, सी वाले बचल बा, ओके प्रेफरेंस देवा कि ना देवा दूसरा तीसरा चौथे नंबर पे। तो मान लेते हैं इस 15 वोट में से 5 वोट या 10 वोट इसको दे दिया गया, किसको, ये इसको दूसरे नंबर पे रखे थे डी वाले, जो 15 लोग डी को वोट दिए थे, और ये 10 लोग ऐसे थे जो कि आपके डी वाले को, 10 लोग में से ऐसे थे जो बी को दूसरे नंबर पे दिए थे। समझ में आया, अब बचा कितने वोट इसके पास, 5। मान लेते हैं ये इसको 3 वोट इसको और 2 वोट किसको रखे थे, 2 लोग इसको रखे थे, तो ये हो गया डी की सारी कहानी खत्म। अभी कितने वोट आ गए इसके पास, 40, इसके पास 37, इसके पास 23, अभी भी 51 तो मिला नहीं। अब दोबारा फिर होगा, जो कम पाया हटा दो, ये हट गया। अब क्या होगा, मान लेते हैं इस 23 में से ये इसको प्रेफरेंस में रखने वाले 20 लोग थे और इसको कितने रखने वाले थे, 3 लोग रखने वाले थे, तो ये कितना पा गया, 40, ये कितना पा गया, 60। राष्ट्रपति कौन बना, बी वाला, भले ये वाला आगे था शुरू में, ए वाला भले आगे था, राष्ट्रपति कौन बन गया, बी वाला। समझ में आया, ये होती है द्वितीय तृतीय चतुर्थ चक्र की मतगणना। क्या ऐसा कभी हुआ है, हाँ एक बार हुआ है, नीलम संजीव रेड्डी और बीबी गिरी के बीच। बीबी गिरी जो थे वो नीलम संजीव रेड्डी दोनों 1969 चौथे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, उसमें बीबी गिरी और ये दोनों बराबर पाए, फिर बाद में एक वोट बटे गए, इधर उधर हुआ, तो फिर जाकर के द्वितीय चक्र की मतगणना हुई और उसमें विजयी कौन हुआ, बीबी गिरी हुए थे, उसके बाद नीलम संजीव आए। बीबी गिरी के समय में द्वितीय चक्र की क्या हुई थी मतगणना, किस नंबर के राष्ट्रपति चौथे, सारा आपको हमने बता दिया। अब जितना बोले लिखना आपका काम, लिखिए लिखिएगा, क्या बोले हैं जी, कुछ तो बोले होंगे, हाँ ये हो गया, लिखिएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए मतों का मूल्य, राष्ट्रपति बनने के लिए मतों का मूल्य कितना होना चाहिए, कितना मूल्य आपका वोट पाना चाहिए, कुल वैध वोट बटे 2+1, ये लिख लीजिए।
लिखिएगा 1969 में भारत के चौथे राष्ट्रपति, पॉइंट बना के 1969 में भारत के चौथे राष्ट्रपति वीबी गिरी के समय में द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी। 1969 में चौथे राष्ट्रपति वीबी गिरी के समय में चौथे चक्र की मतगणना हुई थी। द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी जिसमें वीबी गिरी ने नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। 1969 में भारत के चौथे राष्ट्रपति के समय द्वितीय चक्र की क्या हुई थी, मतगणना हुई थी। बीबी गिरी के समय द्वितीय चक्र की क्या हुई, मतगणना हुई थी जिसमें वीबी गिरी ने नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। बीबी गिरी ने नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। हो गया। अब बात करेंगे, अगर आपसे पूछे विधायक का मतमूल्य कितना होता है, एक विधायक के वोट की संख्या कैसे निकालते हैं, तो लिखिएगा विधायक का मतमूल्य कैसे निकाला जाता है। तो हर एक राज्य में अलग अलग जनसंख्या होती है, हर एक राज्य में अलग अलग सीट भी होती है, यही नाते विधायक के मूल्यों को समान बनाने के लिए ऐसा कहा गया है कि विधायक का जो मतमूल्य होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या अपान कुल सीट की संख्या, उस राज्य में विधानसभा के सीटों की संख्या गुणे 1/1000, ये होती है विधायक का मतमूल्य। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ जनसंख्या है मानते हैं, और ये आउट सीट कितनी है 403 गुणे 1/1000 कर देंगे, जो आएगा वही एक विधायक का क्या हो जाएगा, मतमूल्य हो जाता है। और ये जो जनसंख्या लिखा गया ना ऊपर, ये जो उस राज्य की कुल जनसंख्या, ये 2011 की जनसंख्या नहीं है, 1971 का जब जनगणना हुई था उसी समय का है। तो ये आधार वर्ष क्या है जनसंख्या का, तो इम्पोर्टेंट है, पूछता है बहुत बार जनसंख्या का आधार वर्ष क्या था या क्या है, तो याद रखिएगा 1971 है, कब तक रहेगा 2026 तक, आगे जैसा भी होगा संशोधन करना पड़ेगा या फिर 2011 का हम चुनाव करेंगे, ये याद रखिएगा। अगर पूछे उत्तर प्रदेश के विधायक का मूल्य कितना है, या सर्वाधिक विधायक मूल्य किस राज्य का है, सर्वाधिक यूपी का है, कितना है 208 है, न्यूनतम किसका है पूछ ले तो सिक्किम का है 7 है, न्यूनतम सिक्किम का है 7 है और यूपी का 208 है, इतनी बातें आप बता लीजिए। आइए आगे चलते हैं, चले हो अब एक सांसद भी निकाल कर काटे, आगे चले सांसद का मतमूल्य पूछ ले तो होता है विधायकों का कुल मतमूल्य अपान संसद में कुल निर्वाचित सदस्य माने लोकसभा और राज्यसभा वाले में निर्वाचित सदस्य, बस कितना सा संसद का मतमूल्य पूछे तो विधायकों का कुल मतमूल्य अपान संसद में कुल निर्वाचित सदस्य, और एक सांसद का मतमूल्य पूछ ले तो याद रखिएगा 708 होता है, एक सांसद का मतमूल्य 708 होता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया।
रहने इतना, सब्जेक्ट बदल लीजिएगा इतिहास। हम कहां पे थे,